अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुद्दीन किफ़ज़ई और सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 45 के साथ हाजिर हूं। लेक्चर नंबर 45 की तरफ आने से पहले, अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने ये दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, नीदर का मतलब भी कोई भी नहीं और नन का मतलब भी कोई भी नहीं, राइट। मगर फ़र्क ये है, नीदर का मतलब है कि दो हैं उनमें से कोई भी नहीं, या फिर जब हम बात करते हैं नन के बारे में उसका मतलब है कि दो से ज़्यादा हैं और उनमें से कोई भी नहीं, राइट। नीदर दो हैं, दो में से कोई भी नहीं, नन दो से ज़्यादा हैं उनमें से कोई भी नहीं। अब इस रूल को ज़रा हम अप्लाई करते हैं दो ऐसे सेंटेंसेस के ऊपर कि जो आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे ज़रा देखते हैं। आपके पास सेंटेंस है कि ही हैज़ टू सन्स बट नन ऑफ देम इज़ एजुकेटेड, या नीदर ऑफ देम इज़ एजुकेटेड। अच्छा, नन भी आ सकता है, नीदर भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात हो रही है टू के बारे में, दो लोगों के बारे में। तो जब दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो फिर हम यहाँ पर नन नहीं बल्कि नीदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं, नाइदर भी प्रोनाउंस करते हैं, मगर मुझे खुद नीदर प्रोनाउंस करना जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है। अच्छा, सो ही हैज़ टू सन्स बट नीदर ऑफ देम इज़ एजुकेटेड। अब नीदर मैंने लगाया क्यों, हम बात कर रहे हैं दो के बारे में, राइट। अच्छा, फिर जब हम आते हैं सेंटेंस नंबर टू की तरफ, शी हैज़ सिक्स बैग्स बट नन इज इन हर रूम, या नीदर इज इन हर रूम। अगेन पॉइंट यही हो जाएगा कि आप नन भी यूज़ कर सकते हैं, नीदर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको इसे देखना होगा। अब चूंकि यहाँ पर सिक्स लिखा हुआ है, दो से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर नन यूज़ करेंगे, नीदर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन रूल वही है कि अगर कह रहे हैं कि दो हैं उनमें से कोई एक भी नहीं तो आप यूज़ कर लें नीदर, और अगर आप कह रहे हैं कि दो से ज़्यादा हैं उनमें से एक भी नहीं तो फिर आप यूज़ कर लें नन। तो ये एक हमारा छोटा सा लेक्चर था पास्ट पेपर से, कि जिसमें हमने देखा कि किस तरह नीदर और नन आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स प्रोडक्टिव लग रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। अगले लेक्चर में नई करेक्शंस के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।